नमस्कार दर्शक दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है खबरचे.com पे। मैं चेतन शेठ। दोस्तों, 5 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और एक आम आदमी पर्यावरण के बारे में सोचे, पर्यावरण के बारे में अपनी योगदान दे, उसके बारे में ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो अब ये जो इतना इम्पोर्टेंट डे आ रहा है, तो हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हमारे गुजरात राज्य के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं। एपी सिंह साहब ने गिर के लायन के कंजर्वेशन के बारे में और वर्ल्ड और गुजरात के अंदर बायोडाइवर्सिटी, फिर मेडिसिनल प्लांट्स और बाकी एनवायरनमेंट के लगते सारे एस्पेक्ट में खूब सारा काम किया है उन्होंने। तो इस वक्त जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून पे आ रहा है, तो उस संदर्भ में हमारे साथ वो उपलब्ध हैं और उनसे हम बातें करेंगे और वो हमें बताएंगे कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कैसा है और किस तरह से इस वक्त मनाया जाएगा और आम आदमी भी इसमें किस तरह से सहयोग कर सकता है। तो सिंह साहब, आपका खबरचे.com पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो एक आम आदमी के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है और कब से मनाने की शुरुआत हुई और कौन इसको इंस्पायर करता है? सर चेतन भाई, बहुत ही आपने जैसे बताया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इम्पोर्टेंट डे है, तो विश्व पर्यावरण दिवस, आज दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता है। हर कोई जानता है कि 5 जून आने वाला है और हम विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे, कुछ काम करेंगे और हम काम कर रहे हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो बॉडी है एग्जीक्यूशन की, इम्प्लीमेंटेशन, जो सबसे बड़ी बॉडी है उसको UNO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशंस अलग अलग विषय पर काम करते हैं, जिसमें UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा जो हमारे दुनिया में पर्यावरण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उनका सामना करने के लिए, उनको समझने के लिए और इस विषय को या पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हम सबको मिलके क्या काम करना चाहिए, जिससे हम और हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो शुद्ध वातावरण में रह सकें। इस हेतु से 1974 से ये प्रोग्राम चालू किया गया है और हर वर्ष इस प्रोग्राम को मनाया जाता है, जिसको विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जानते हैं। सर, इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम, हर बार वैसे तो थीम होती है, मगर इस बार कौन सी थीम रखी गई है और वो इस बार थीम जो है उसके ऊपर होस्ट कंट्री क्या है और कंडीशन क्या है, जो थीम है उसकी कंडीशन पूरे वर्ल्ड वाइड और हमारे यहाँ क्या थीम कंडीशन है? बिल्कुल सही आपने बताया कि हर वर्ष एक तो होस्ट कंट्री होता है और एक थीम रखी जाती है जिसको हमें पूरे साल काम करना चाहिए उसके ऊपर, और लोगों में जागृति आनी चाहिए और उस विषय पर हम कैसे काम करें जिससे जो पोल्यूशन की समस्या है उसको कम कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, घटा सकें। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के एक नया विषय रखा जाता है। तो इस साल का जो विषय है वो एयर पोल्यूशन, इसलिए एयर पोल्यूशन मतलब है कि वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण की समस्या दुनिया में इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या है जी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इसका जो होस्ट कंट्री जो डिसाइड होता है,
वो भी उसी के आधार पर रखा जाता है। तो इस वर्ष जो है आप कह सकते हैं कि चाइना जो चीन हमारा देश जो चीन देश है उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की बहुत विकट समस्या है। तो इस साल का जो होस्ट कंट्री है वो चीन है, चाइना है, इसको रखा गया है। अब आप कहेंगे कि साहब एयर पोल्यूशन है, ये किस तरह की समस्या है, लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, तो ये चीज़ें हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आज 5 जून को कम से कम 100 देशों में ये प्रोग्राम होता है और बहुत बढ़ चढ़कर बनाया जाता है, हर एक को हर स्तर पर, चाहे वो कम्युनिटी का स्तर हो, चाहे राज्य का स्तर हो, चाहे देश का स्तर हो, चाहे वैश्विक स्तर हो, इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं कि लोग इस समस्या को समझ सकें, इस समस्या का क्या रिपरकशंस हैं, भविष्य में क्या प्रॉब्लम होती है, आज क्या प्रॉब्लम है, और इस समस्या को अगर हम सब मिलके अगर इसको नहीं सोचेंगे, नहीं काम करेंगे, तो इससे हम निजात नहीं मिलेगी और आने वाला समय और भी खराब होने वाला है। आपको अगर हम उदाहरण के तौर पर बताएं, तो आज वैश्विक स्तर पर आप ये हालत हो गई है कि 92% 92% लोग जो है शुद्ध हवा से सांस नहीं ले सकते। अब ये समझिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आदमी को जीवन के लिए, आदमी हैं, प्राणी हों, पशु हैं, पंखी हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट को सांस लेना तो ज़रूरी है कि नहीं। अगर शुद्ध सांस नहीं मिलेगी तो आप अनुमान लगा सकते हो क्या हो सकता है। तो ये भयावह पोजीशन है कि ओनली 8% ऐसे लोग हैं जिनको शुद्ध हवा ले सकते हैं, बाकी लोग हम सांस नहीं ले सकते ठीक से। तो ये समस्या कितनी बड़ी है, ये लोगों को आभास कराना है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या जटिल होती जा रही है, और इस समस्या से अगर अभी से हमने कार्य शुरू नहीं किया तो भविष्य में और भी जटिल हो जाएगी। एक जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन से हर साल 70 लाख लोगों की मौत होती है, 77 मिलियन और 70 लाख पीपल लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मृत्यु होती है, डेथ होती है, जिसमें से 40 लाख लोग एशिया पैसिफिक रीजन में उनकी डेथ होती है। तो हमारा जो एरिया है वो भी कम भयावह नहीं है, हमें इसको समझना पड़ेगा। तो अब जो मैं बात कर रहा था, ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो बहुत भयंकर हैं। तो अगर देखिए आदमी हो, प्राणी हो, पंखी हो, 3-4 चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो हवा है, दूसरी चीज़ है पानी है। आज पानी भी आप देखिए क्या पोजीशन हो रही है, पॉल्यूटेड वाटर, शुद्ध पानी मिलना मुश्किल है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, समुद्र के पानी का उपयोग करने की नौबत आ रही है तरह तरह की इंडस्ट्रियों के लिए, और पीने के पानी की समस्या बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप देखिए कहीं कहीं तो हम दूध के भाव में आज पानी खरीद के पी रहे हैं। तो ये पानी की तो पहली समस्या सांस लेने की समस्या, दूसरी पानी की शुद्ध पीने के पानी की समस्या, तीसरी चीज़ आ रही है खाने की, जो हम फूड लेते हैं अब वो फूड भी कितना शुद्ध है उसको भी देखना पड़ेगा। आप देखिए जहाँ फूड उगता है, जहाँ खेतों में, वहाँ आप किस तरह का पॉल्यूटेड वाटर उपयोग कर रहे हैं, कितने केमिकल्स उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट एयर पोल्यूशन है सॉयल या मिट्टी के आसपास का, वो भी पॉल्यूटेड हो चुका है। फिर उसमें हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं, केमिकल इंजेक्शन लगा रहे हैं, सारे उसको ठीक करने के लिए केमिकल का उस पर छिड़काव कर रहे हैं। तो हवा सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन, जो हमारे रहने के, जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी हैं, वो आज ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें हम पॉल्यूटेड अवस्था में पहुंच चुके हैं। और इसमें एयर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है, ये सारी की सारी जो पोल्यूशन है वो भयावह होता जा रहा है।
इसलिए उसको बचाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे, हमें हर जनरेशन को, हर लेवल के लोगों को समझाना पड़ेगा और समझाने के बाद उसको अमल करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे मिनिमाइज करें। सर, ये एयर पोल्यूशन के अंदर जो भयावह स्थिति है उससे निपटने के लिए सरकार, सरकारी एजेंसीज और कई सारी एनजीओज और संस्थाएं भी काम करती है, मगर एक आम आदमी होता है, तो आम आदमी इस भविष्य के संकट के सामने बचने के लिए या भविष्य के संकट को कम करने के लिए किस तरह से योगदान दे सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। लोग क्या समझते हैं कि सारा कुछ काम गवर्नमेंट कर देगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती, अपने सबकी मदद से काम हो सकता है। जैसे आप दाखिला तरीके देखें कि इससे पहले स्वच्छता प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन माननीय देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जब इस जुम्मेस को उठाया और पूरा देश उससे जुड़ा, तो आपकी देखिए उसमें बिल्कुल कायाकल्प हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें स्वच्छता में अभियान में हम आगे बढ़े। तो इसी तरह से कोई भी इशू हो, जब तक ये सब लोग मिलके और उसको समझेंगे नहीं कि ये इसका खतरा सबको है, एक आम आदमी को भी है, एक संस्था को भी है, एक कम्युनिटी को भी है, एक गांव को भी है, एक शहर को भी है, एक राज्य को भी है, एक देश को भी है और सारी दुनिया को है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है। तो जब तक हम ऐसे नहीं समझेंगे उसको और हम सब मिलके उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, हर डिपार्टमेंट के पास इसकी योजनाएं होती हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, उस ऊर्जा को सबसे ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो परंपरागत, जो बिन परंपरागत हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे दाखिला तरीके आप बताएं कि सोलर एनर्जी है, हमारे देश ने लास्ट 5 ईयर्स में सोलर एनर्जी में बहुत अच्छा काम किया है। अब उससे सोलर एनर्जी लोगों को भी फायदा हो रहा है, देश को भी फायदा है और पॉल्यूशन में भी कमी आ रही है। तो इस तरह से सोलर एनर्जी है, लोकल आपकी जो स्थानिक लेवल पे जो काम करते हैं, स्थानिक लोग जिस तरह से काम करते हैं, उनकी जो केस स्टडीज़ हैं, इन सबको मिला के हमें जो अगर काम करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो एक तो हमको करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, चाहे वो हाइडल पावर हो, पानी का हो, सोलर का हो, विंड पावर हो, इन सबको हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, थर्मल जो एनर्जी उसको कम करना है। दूसरी तरह से जो उन्होंने बात कही है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसको हमें बढ़ावा देना है। जो कोई भी जाए, चाहे आपका वन है, वन संसाधन है, वृक्ष लगाना है, या जिसमें पॉल्यूशन कम होता है, ग्रीन रिसोर्सेज से हमको उपयोग करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसमें पॉल्यूशन कम होगा, सारी चीज़ें, तो अगर उस पर काम करेंगे तो इससे हमको निजात मिल पाएगी। दूसरी चीज़ हम जो बात करते हैं एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर कि सबसे बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को कम करने के लिए या पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफॉरेस्टेशन, ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और हर जगह ट्री, अगर ट्री कवर होगा तो हमको बहुत अच्छा, चाहे घर हो या घर के बाहर हो, तो वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो आपका एनवायरनमेंट क्लीन होता है। तो इस तरह से हमें जहाँ जिस तरह से, चाहे घर के अंदर, बाहर, इंडस्ट्रियल कंपाउंड, गांव, हर जगह मैक्सिमम वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन मैंने कई बार बात किया है कि वृक्ष लगाते हैं, लेकिन वृक्ष लगाते हैं ये नहीं देखते कहीं कि एग्जॉटिक वृक्ष लगा दिए, बाहर के वृक्ष ले आए, देखने में सुंदर हैं, लेकिन अगर उस एरिया के इंडिजीनस नेटिव ट्रीज, जिसमें अच्छा फॉलिएज भी हो, जिसमें फ्रूट्स हों, फ्लावर्स हों, फ्रेग्रेंस हो और
पशु पंखी को भी मिल सके, बटरफ्लाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको भी एक आश्रय मिल सके, तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा इकोसिस्टम उससे डेवलप होता है और इस तरह के ट्री एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह डेवलप होते हैं, तो हमारा इकोसिस्टम स्ट्रेंथन होता है और प्योर होता है, तो हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण उससे शुद्ध होता है। आप जानते होंगे, जैसे कभी हम चर्चा करते हैं कि साहब मेरे एरिया में बटरफ्लाई नहीं है, बटरफ्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि बटरफ्लाई आपके शुद्ध एनवायरनमेंट, शुद्ध पर्यावरण का इंडिकेटर है। अगर आपका एनवायरनमेंट शुद्ध है तो आपको बटरफ्लाई मिलेगी, और वो अशुद्ध है तो बटरफ्लाई नहीं आएगी, आएगी तो मर जाएगी। कुछ लोग लगाते हैं, आज देखिए आप कितने जीव हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके गौरैया हैं, आपको इवन क्रोज हैं, आपके ईगल्स हैं, कितने पशु पंखी वाइल्ड लाइफ प्राणी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण उनके अनुकूल नहीं है। हम तो अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर लेते हैं, आदमी दौड़ भाग करके कुछ कर सकता है, लेकिन जो अबोल प्राणी पशु हैं वो या तो माइग्रेट कर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे जो कुदरत के द्वारा जो मदर अर्थ है, जो उसका इकोसिस्टम है, जो उसकी फूड चेन है, जो फूड वेव है, जो एनवायरनमेंट को शुद्ध करती है, वो टूट जाती है, उससे हमको खतरा पैदा होता है। और ये खतरा आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन के लिए इसको बचाना प्रेजेंट जनरेशन की बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सजग बने, सब लोग मिलके अपने छोटे छोटे लक्ष्यांक डिसाइड करें, जिससे हमारे यहाँ छोटी जगह से अगर ख़त्म होगा तो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते वो चेन बढ़ती जाएगी और हम उसको कम कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे, जिससे आने वाली जनरेशन कह सकेगी कि हमारे दादा परदादाओं ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है। नहीं तो आज आप नदी में चले जाइए, समुद्र में चले जाइए, शहर में चले जाइए, आप चारों तरफ चले जाइए, आप बहुत आनंदित नहीं हो सकते। तो दर्शक दोस्तों, ये थे डॉक्टर ए पी सिंह साहब। इन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमें कही है कि भविष्य को संवारने के लिए हमें आज से ही जागरूक होना पड़ेगा और आज से ही हमें काम करना पड़ेगा। डॉक्टर ए पी सिंह साहब से हम इसी विषय पे आगे भी बात करते रहेंगे, मगर उनकी ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे स्पेशल बातों के साथ इस एपिसोड को हम ख़त्म करेंगे। अगली बार हम दूसरे विषय के साथ उनसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार मित्रों।